राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा विचार करून राज्य शासनाने संसर्ग रोखण्यासाठी काही निर्बंध लागू केले आहेत, ते मध्यरात्रीपासून लागू राहतील। विशेषतः युरोप तसेच युके मध्ये ओमिक्रॉनच्या व्हेरियंटमुळे रुग्णसंख्या दुप्पट वेगाने वाढत आहे। जगातील 110 देशांमध्ये ओमिक्रॉनचा प्रसार झाला आहे। या विषाणूच्या प्रसाराचा वेग जास्त असल्याने सध्या काही प्रमाणात निर्बंध लावावेत व पुढील काळात याचा प्रसार बघून अधिक निर्बंध लावण्याबाबत विचार व्हावा असे प्रशासन तर्फे सांगतात। नागपूर शहरात पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शहरात रात्रीच्या वेळेला कठोर निर्बंध लावले आहेत। रात्री 9 नंतर कुठलेही सत्वजनिक आयोजन घेण्यास बंदी घातल्याचे पोलीस आयुक्त यांनी सांगितले। जो ये नाइट कर्फ्यू आज से लगाई गई है, इसमें रात को 9 से सुबह 6 तक 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की जमाव पे बंदी लगाई गई है। सभी प्रकार के जो होटल एस्टैब्लिशमेंट्स, मॉल्स इत्यादि जो भी हैं, ये रात को 9 के पहले बंद होने होंगे। उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू रह सकता है। लोग अनावश्यक बाहर नहीं निकलें और क्रिसमस और न्यू ईयर के जो भी पार्टीज की परमिशन दी गई थी वो सभी की जो टाइम पहले 12 बजे तक थी वो कल के गाइडलाइंस आने के बाद सभी की टाइम रात को 9 बजे तक रहेगी। 9 बजे तक भी जो भी आयोजन होगा, जो गाइडलाइंस में दिए गए हैं कि 50% कैपेसिटी के अंतर्गत होना चाहिए या जो टाइम लिमिट्स, जो नंबर ऑफ अटेंडीज की जो लिमिट्स दी गई है, वो सभी को पालन करना होगा। एकंदरित कोविड की जो बढ़ती हुई प्रमाण है शहर में और राज्य में और दूसरे जगह पे, उसको ध्यान में रखते हुए निर्बंध लोगों को पालन करना आवश्यक रहेगा और उसके लिए पुलिस यंत्रणा इन्फोर्स करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शंखनाद न्यूज़ साठी ब्यूरो रिपोर्ट।